भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति जिला ब्यावर एवं एचडीएफसी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन मेवाड़ी गेट बीटर स्थित सिटी डिस्पेंसरी पर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ भारत माता के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर संयोजक अमर चंद मुंद्रा ने बताया कि शिविर के शुभारंभ में लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष दीपक झंवर, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व उप सभापति शशि बाला सोलंकी, वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान एवं भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी भारतेंदु श्रीमाली, एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि कमलेश अग्रवाल, सुमित कोठारी के कर कमलों से आरम्भ हुआ। शिविर में उद्योगपति दीपक झंवर, आदित्य पॉलिसेक एवं रियल मनी एडवाइजरी से संदीप पारिक व गवर्नमेंट आईटीआई संस्थान से तुलसाराम चौधरी का रक्तवीरों को प्रोत्साहित करने में विशेष सहयोग रहा। समिति के नगर संयोजक हरीश साखला ने बताया कि एकेश में वर्तमान समय में रक्त की कमी को देखते हुए भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान 85 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें समिति की ओर से किशन लाल जांगीर, सुरेंद्र खंडेलवाल, नरपत सिंह रावत एडवोकेट, अतुल भाटी, प्रशांत बाबूवाल, कीर्ति सोनी, चित्रा रेणु, ब्रजेश मालू, आनंद कुमावत सहित अनेक लोगों का विशेष सहयोग रहा। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्तमान में अमृतपुर चिकित्सालय में रक्तवीरों की संख्या बिल्कुल शून्य है, तो इस स्थिति में वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य दोनों संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो रक्तवीर आए हैं उनमें आदित्य पुलिस है गोहाना की ओर से लगभग 25 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान किया है। रक्तदान वास्तव में जीवन दान है और दीपक जी जौहर के नेतृत्व में उन सभी ने अपना रक्त का दान किया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम दीपक जी जौहर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं दोनों ही संस्थाओं की ओर से। भविष्य में भी ब्यावर के निवासी हमेशा अपना सहयोग करते रहते हैं। उनसे निवेदन है कि वे रक्तदान करें और अपने इससे पूरे समाज को बहुत बहुत लाभ होता है।